नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। जुल्मों को सहती हुई पत्थर बन चुकी माया सचमुच मोक्ष दिलाने के रास्ते पर निकल चुकी थी और दे डाली उसने अपने पति को ही उसकी दरिंदगी की सजा। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से ही वाज हेवीली डायबेटिक, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट पेशेंट। बुड्ढे, कई दिनों से तुझे डबल डोज मिल रहा है और इस बात का तुझे पता भी नहीं है। इट इज नेचुरल डेथ ड्यू टू हाइपरटेंशन विद डायबेटिक अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। माया जी, उस औरत का साथी उसी की मिट्टी का बना निकला। इतना मारा फिर भी बोल के नहीं दिया और लगता है बोलेगा भी नहीं। But as they say, there are no perfect murders. पर तुम्हारे हुस्न से ज्यादा मेरा डंडा भारी पड़ा है। तुम्हारे और युग के नाजायज संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया इसने, और अगर तुमने कहा कि ये झूठ बोल रहा है तो मेरे पास सबूत और भी हैं। एंड ऑन स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ मर्डर मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूं। तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? 10 साल की उम्र में अपने आप से इतनी घिन हो गई कि अब ऐसा से नहीं होता। घिन क्या होती है? सिगरेट पियोगी? मिलेगी तो पियूंगी, बहुत दिन से पी नहीं है। तुमने अपनी जुबानी जो अपनी कहानी कही, अगर वो वाकई में सच है तो मैं मानती हूँ कि तुमने बड़े दुख देखे हैं। बट क्राइम इज क्राइम और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो हम कहाँ आपसे सहानुभूति या सजा माफ कर दो कह रहे हैं? आप हमारे पीछे पड़ी, हमारी स्टोरी जानने के लिए तो मैंने आपका मान रखा, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी तरह बेबाक जिद्दी और शातिर हैं। अलवर की औरतें चूल्हे पे रोटियां बड़ी अच्छी सेकती हैं, तुम्हें बनानी आती हैं? माया पागल तो नहीं थी? पागल तो थी, अब हम और आप जैसे नॉर्मल लोग तो सिर्फ अपने दर्द के एहसास में रहते हैं। उसे तो परायों का दर्द भी ले डूबा।
और उस दिन उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे समझ में आया कि उसने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या क्यों कर ली। बस इसी तरह मोक्षा हालात और समाज से घायल होते होते माया बन गई। बस यही है इस पीड़िता की लाइफ स्टोरी। बाकी सब चेक कर लिया। चाबी ले ली मैंने। सो फाइनली माया की माया खत्म हुई। मोहिनी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये 7 दिन तुम्हारे साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड। यप, आई डिड। ये लीजिए। चले। माया की कहानी भी बहुत दुख भरी थी। वो आग मरने के लिए नहीं, जीने के लिए लगाई गई थी। ये रख ले पैसे। आगे कभी लाश की जरूरत हो तो बंदे को याद करना। हाँ ठीक है, चल भाग। चलो। पीछे पड़े बैग में 50% शेयर तुम्हारा है। सरकार के पास पहुंच के ये पैसे किनके जेबों में जाने वाले हैं तुम भी जानती हो। इस बेटे तुम्हारे जो सपने हैं बच्चों और बूढ़ों को लेके उन्हें पूरा करो। और बाकी के 50% का क्या करोगी? अच्छी जिंदगी जीऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं कोई देवी हूं? इंसानी बन जाओ यही बहुत है। मुझे पता है ये कानूनन गलत था, लेकिन क्या हम सब कितना कुछ गलत नहीं करते हैं? कम से कम ये गलत उन बेचारों के लिए सही होगा जिन्हें कानूनी न्याय नहीं मिल सकता। मोहिनी, तुम्हें घर चाहिए था ना, तुम्हारा अपना घर। आज मैं तुम्हें तुम्हारा घर देने जा रहा हूं, एक बड़ा घर। ये इंडस्ट्रियल टाइकून वरदान है ना? हाँ कमीना साला, देखना एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। इसकी स्कीम से लाखों लोग बर्बाद हुए हैं और काफी ने तो आत्महत्याएं भी की हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। चलो, आखिर तुम वरदान की बीवी हो मोहिनी, बैठो। ड्राइवर,